हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग कैसे की जाती है और स्विच बोर्ड कैसे बनाया जाता है और इस स्विच बोर्ड से अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो के बारे में एक नोटिफिकेशन मिल सके। इस प्रोजेक्ट की सर्किट डायग्राम और डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी बात मुझसे पूछना चाहते हैं या आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। पाइप और बॉक्स वगैरह हमने पहले से ही फिट कर लिया। ये 6x4 का बॉक्स है जिस पर हमारा स्विच बोर्ड लगेगा और इसी के ऊपर अगर हम देखें तो 3-way सर्कुलर बॉक्स लगा हुआ है जिसके साथ पाइप कनेक्ट होके यहाँ इस साइड पे आ रहा है। तो हमें इन दोनों सर्कुलर बॉक्स के बीच में से अपनी वायर्स को गुजारना है। सबसे पहले हम अपने पाइप्स के बीच में से स्टील वायर को गुजारेंगे। जी तो हमारी स्टील वायर डल चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से स्टील वायर मैंने डालनी शुरू की थी और यहाँ से वो स्टील वायर बाहर आ गई है। तो हमने जितनी भी वायर्स को इस पाइप में से गुजारना है उनको हम छील लेते हैं। मैं 3 वायर्स को गुजार रहा हूँ तो मैं इन तीनों वायर्स को छील लेता हूँ। उसके बाद इन वायर्स को आपस में मिला के ट्विस्ट करके स्टील वायर के आगे एक लूप बनाकर उसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल टेप को लगा लेंगे। इसके बाद हम स्टील वायर को खींचेंगे। और हमारी वायर इसके साथ ही बाहर आ जाएगी। इसके बाद हम अपने स्विच बोर्ड को तैयार कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास एक स्विच बोर्ड है जिसमें 4 बटन्स और 2 सॉकेट्स हैं। स्विचेस की एक साइड पे हम वायर को कनेक्ट कर लेंगे और इन्हें आपस में मिला लेंगे। हम अपने दूसरे दोनों स्विचों को भी आपस में मिला लेंगे। उसके बाद हम एक स्विच की एक साइड को सॉकेट के साथ कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम दूसरे स्विच की एक साइड को सॉकेट के साथ कनेक्ट कर लेंगे।
इसके बाद हम स्विचेस के कॉमन साइड्स को आपस में कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम सॉकेट्स की दूसरी साइड्स को आपस में मिला लेंगे। अब हमें स्विच बोर्ड के साथ अपनी इलेक्ट्रिकल वायर्स को कनेक्ट करना है। ये जो इस बॉक्स में से हमारी वायर्स बाहर आ गई हैं, तो हम इन वायर्स को सबसे पहले छील लेते हैं। सबसे पहले मैं ये न्यूट्रल वायर्स को सॉकेट्स के कॉमन साइड्स के साथ मिला दूंगा। उसके बाद मैं अपने लाइट और फैन के स्विचेस के साथ लाइट और फैन की वायर को कनेक्ट कर लूंगा। इसके बाद मैं अपनी फेज वायर को सारे स्विचेस की कॉमन वायर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैंने स्विच बोर्ड को स्क्रूज लगा के बंद कर लूंगा।